हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारे 12th क्लास की जो बुक है माना भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि, जिसमें बच्चों हमने जनसंख्या के स्थानिक प्रतिरूप, इसके अलावा जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या में परिवर्तन किस तरीके से हुआ, समय के आधार पर हमने, सारणियों के आधार पर हमने देखा। और वर्तमान में थोड़ा सा बात करें, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.664 है। वृद्धि दर जो वार्षिक है, तो इनके संदर्भ में हमने बात की थी पहले। इसके बाद में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आज हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में कुछ जनसंख्या के जो नियंत्रण के उपाय हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। जनांकीय संक्रमण, जनांकीय संक्रमण का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है, देखिए जनांकीय संक्रमण का मतलब होता है कि किसी स्थान पर जनसंख्या का कम स्तर से उच्च स्तर की ओर बढ़ना। कम स्तर का मतलब होता है संख्या से, कि जनसंख्या पहले किसी भी स्थान पर निवास करती है तो कम होती है, उसके बाद में धीरे धीरे वह बढ़ती है और बढ़ती जाती है। तो इस प्रक्रिया को संक्रमण बोलते हैं। जैसे कोई रोग होता है, रोग का संक्रमण फैलना, यानी रोग का फैलना, ऐसी जनसंख्या भी क्या है, उस स्थान पर फैल जाती है। इसी को शब्द दिया है जनांकीय संक्रमण। तो देखिए बच्चों किस तरीके से, तो इसमें एक सिद्धांत बताया जनसंख्या किस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बढ़ती है, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, या देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन के लिए तथा भविष्य की जनसंख्या के, इस स्थान पर जनसंख्या भविष्य में कितनी होगी, उसके पूर्वान अनुमान के लिए किया जाता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज, कोई भी मानव समाज है, वह ग्रामीण, खेतियर और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके, प्रारंभिक जो समाज था मानव का ग्रामीण था, खेतीबाड़ी करता था और अशिक्षित यानी पढ़ा लिखा नहीं था, तो उस अवस्था से उन्नत करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, कि नगरों में, उद्योगों में और साक्षर पढ़ा लिखा बनता है, तो किसी प्रदेश की जनसंख्या उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर यानी अधिक मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की अवस्था में परिवर्तित होती है। कहने का मतलब यह है कि जो ग्रामीण किसान जो पढ़ है, वह उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और साक्षर बनता है, उसी प्रकार किसी प्रदेश की जनसंख्या शुरुआत में उच्च जन्म दर और उच्च दर मृत्यु दर होती है, और वह घटते घटते निम्न जन्मदर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाओं में होते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्र के रूप में जाना जाता है। कहने का मतलब ये है, जन ग्रामीण खेतियर होते हैं, जनसंख्या कम होती है, जैसे ही जनसंख्या नगरों में बढ़ती है, तो नगरों में बढ़ते बढ़ते जनांकीय संक्रमण होता है, यानी जनसंख्या का प्रसार होता है। चित्र संख्या 2.3 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाओं के मॉडल की व्याख्या करता है। तो देखिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की तीन अवस्थाएं बताई गई हैं, इसमें हम देख सकते हैं। सबसे पहली वर्तमान विश्व का उदाहरण है ये, अशोधित जन्म दर और मृत्यु दर, और इसमें ये दो रेखाएं, ऊपर वाली तो है जन्म दर और नीचे वाली मृत्यु दर। तो मेरा कहने का मतलब ये, प्रथम अवस्था में जो बांग्लादेश, वर्षा वनों के आदिवासी जो क्षेत्र हैं वो इसमें आते हैं। दूसरी अवस्था में पेरू, श्रीलंका, केन्या ये आते हैं, जिसमें जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, यानी कहने का मतलब जन्म दर अधिक, मृत्यु दर कम होती है। और एंड में तीसरी अवस्था में निम्न उतार चढ़ाव, यानी जन्म दर भी कम हो जाती है, मृत्यु दर भी कम हो जाती है, जिसमें कनाडा, जापान और यूएसए आते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। इसके आगे देखिए बच्चों, तीनों अवस्थाओं की व्याख्या की गई है। देखिए प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मृत्युता होती है, यानी जन्मदर और मृत्युदर अधिक होती हैं, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। कहने का मतलब यह है
अधिक मृत्यु दर पाई जाती है, अधिक जन्म दर पाई जाती है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, जब मरने वाले जन्म लेने वाले की बराबर रेशियो होगा तो जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं, ज़्यादातर लोग कृषि करते हैं। जहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। बड़े परिवारों में जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, अनपढ़ होते हैं और उनके प्रौद्योगिक स्तर निम्न होते हैं, तकनीकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। आज से लगभग 200 वर्ष पहले कोई भी देश ऐसा नहीं था जो विकसित हो, वो उसी अवस्था में से थे। अब आता है द्वितीय अवस्था। द्वितीय अवस्था के प्रारंभिक शुरुआत में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती है। जैसे जैसे यानी ऊंची तो रहती है लेकिन ये समय के साथ में घटती जाती है, और यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है और मृत्यु दर भी घटती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं, स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है, यानी मृत्युता में कमी आती है। यानी स्वास्थ्य संबंधी दशाएँ विकसित हो गई, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था हो गई, बीमारियों से निजात मिल गया, बीमारियों पर विजय पाली यानी बीमारी खत्म हो गई होने लगी, स्वच्छता पर ध्यान दिया गया तो इससे मृत्यु दर कम हो गई। और इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है, और इसमें जन्म दर तो उतनी रही, थोड़ी घटती, लेकिन मृत्यु दर बिल्कुल कम हो गई, इसके साथ में जनसंख्या बढ़ी। तृतीय अवस्था यानी अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्युता दोनों अधिक घट जाती हैं, दोनों ही बहुत कम हो जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है, ना तो बढ़ती है ना घटती है, या फिर मंद गति से बढ़ती है यानी बहुत कम। तो जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है, ऐसी जनसंख्या विचारपूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। तो ऐसी जनसंख्या जो है वो विचारपूर्वक परिवार को छोटा रखती है, और इसके अलावा जनसंख्या भी कम बढ़ती है। इससे प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और अपनी प्रजननशीलता को समायोजित करने की योग्यता रखती है। पूरे सिद्धांत में हम देख सकते हैं, तो इन तीनों अवस्थाओं के बारे में बताया गया। इन तीनों अवस्थाओं से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो मानव जाति है वो अत्यधिक नम्य है और अपनी जो प्रजननशीलता उसको ये समायोजित कर सकती है, एडजस्ट करती है। वर्तमान में विभिन्न देश जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की विभिन्न अवस्थाओं में हम देख सकते हैं। इसके अलावा अब आता है जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। देखिए बच्चों, जनसंख्या आज हमारे भारत की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जितना उत्पादन नहीं होता उतनी जनसंख्या का उपभोग है। तो कहने का मतलब जनसंख्या नियंत्रण यानी जनसंख्या को कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, कुछ उपाय हैं। सबसे पहले देखिए, परिवार नियोजन का काम बच्चों के जन्म को रोकना है। परिवार नियोजन बहुत सारे कार्यक्रम हैं, काम हैं जो बच्चों के जन्म को रोक सकते हैं अथवा उनमें अंतराल रखना भी है। जैसे कहने का मतलब ये है, पहला बच्चा दूसरे बच्चे से कम 3 साल छोटा होना चाहिए। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने में मुख्य भूमिका निभाती हैं। तो परिवार नियोजन की जो सुविधाएं होती हैं, जो आंगनवाड़ी या जो महिलाएं देती हैं महिलाओं को, तो ये क्या है, जनसंख्या वृद्धि को भी सीमित रखती हैं और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। प्रचार करना, गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साह उपाय, कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो जनसंख्या के नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। तो कुछ बहुत सारे परिवार में पढ़ाई लिखाई करना, बाल विवाह पर रोक लगाना, इसके अलावा विवाह की उम्र में वृद्धि करना, तो ये बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनसे हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। इसके बाद में देखिए, थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत, जनसंख्या का सिद्धांत था, 1798 में प्रकाशित हुआ, उसमें कहा था कि लोगों की जो संख्या है वो खाद्य आपूर्ति का मतलब है भोजन की आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेज़ी से बढ़ेगी। ये अपने सिद्धांत में कहा है। जनसंख्या में वृद्धि का जो परिणाम है वो अकाल, बीमारी तथा युद्ध द्वारा इनमें अचानक गिरावट के रूप में सामने आएगा। तो कहने का मतलब, थॉमस माल्थस ने क्या कहा था अपने सिद्धांत में, कि जो जनसंख्या वृद्धि है वह खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा बहुत तेज गति से बढ़ेगी, और जनसंख्या वृद्धि का जो परिणाम आएगा, नतीजा आएगा, वो अकाल के रूप में आएगा, लोगों में बीमारियों के रूप में आएगा, और लोगों में युद्ध होंगे। इसके द्वारा उसमें अचानक से क्या होगी, गिरावट होगी, क्योंकि मृत्यु दर बढ़ जाएगी इन कारणों से, तो उसके सामने गिरावट के रूप में सामने आएगा। इसके बाद में देखिए बच्चों, ये आपका पार्ट आज कंप्लीट हो गया, दूसरा चैप्टर। तो क्वेश्चन आंसर देखिए, हम क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक का मतलब आएगा अफ्रीका महाद्वीप।
यानी जन्म दर ज़्यादा होना। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या का मतलब जहाँ जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, अटाकामा मरुस्थल है, भूदे रेगी प्रदेश, उमस वाला ध्रुवीय ठंडा प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिकर्षकारक नहीं है? प्रतिकर्षकारक नहीं है तो यानी प्रतिकर्षकारक कौन से होते हैं? प्रवास के वे प्रतिकर्षकारक जो लोगों को उनके मूल स्थान को छुड़वाने का प्रयास करता है, यानी उसको भगाता है वहाँ से लोगों को। तो देखिए, जलाभाव होगा तो लोग भागेंगे, बेरोजगारी होगी तो, महामारियाँ होगी तो लोग भागेंगे, लेकिन चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाएँ जो हैं ये प्रतिकर्षकारक नहीं है, ये अपकर्षकारक है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है, 5 अरब से 6 अरब वर्ष, 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे, जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो हम देख सकते हैं बच्चों, जनसंख्या संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं होती है, क्योंकि जन्म दर मृत्यु दर ज़्यादा उच्च होती है, इससे जनसंख्या बहुत कम होती है। इसका आंसर ये होगा, सही नहीं है ये। इसके बाद हम बच्चों, ये जनसंख्या के ये छोटे क्वेश्चन हैं ये सब करा दिए मैंने, जन्म दर मृत्यु दर प्रवास प्रतिकर्ष ये सब करा दिए और ये भी करा दिए। अब बाकी का रह गया आज मैं भेज दूँगा। इसके अलावा अगर कोई और क्वेश्चन रह गया हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है, मेरे पर्सनल नंबर पर कमेंट कर सकता है। ओके, धन्यवाद।